नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माया क्रिएशंस ऑल इन वन में। एक बार फिर से आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं यहाँ पे आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत छोटी सी वीडियो है। तो जैसे कि आपने हेडिंग देख के पढ़ लिया होगा कि आज मैं बताऊँगी स्केल के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्केल और इंच टेप, साथ में इंच टेप लेके, और कुछ मैं आपको कैलकुलेशन जो है वो समझा दूंगी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी अपने चैनल में जो कि इंच टेप के बारे में थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अलग अलग, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस कमेंट्स करके पूछे थे। तो मैंने सोचा मैं एक बार और वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको इंच टेप के साथ साथ स्केल के बारे में भी बताऊँगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्केल के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ज़रा सी नॉलेज रखते हैं हम स्केल के बारे में, ये वीडियो बनाते हैं, और थोड़ा सा इंच टेप के भी सिमिलर, जैसे कि आप कौन सा काम, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो उसकी एब्सेंस में आप इंच टेप से कर सकते हैं, या इंच टेप नहीं है तो आप स्केल से कर सकते हैं। तो इसी के बारे में मेरी ये आज की वीडियो है। तो आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है एक स्केल, जो कि ये भी मैं सिलाई में यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन मार्किंग के लिए या फिर इसको नापने के लिए भी मैं जो है वो यूज़ कर लेती हूँ अपने सिलाई के कामों में भी। तो मेरे पास स्केल, तो सबसे पहले मैं बता दूँ स्केल की ये जो लंबाई होती है वो होती है 12 इंचेस की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है 1, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ 12 तक, तो ये हो गए आपके 12 इंच। तो मैं यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ आपको, स्केल जो है वो 12 इंचेस की होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपने यहाँ पे देखा 12 इंचेस है, वहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि अगर अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये हो गई स्केल जो है वो 30 सेंटीमीटर की होती है, अगर मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूं तो। सबसे बड़ी बात है अगर हमको इसको फिट में नापना है, कि हम बोलते हैं 1 फिट, 2 फिट, 3 फिट ऐसे, तो अगर आपको स्केल से नापना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, आप लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं वहाँ डाल दूँगी। तो ये जो है 1 फिट का है, यानी कि 12 इंचज़ का 1 फिट, 12 इंचज़ का 1 फिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 इंचेस की स्केल हो गई। यहाँ पे जो है वो जो आपके आपको छोटी छोटी मार्किंग दिख रही है, ये सेंटीमीटर की मार्किंग है। यहाँ पे जो डिजिट्स लिखे हैं जैसे कि ऊपर में जो छोटे 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 हैं, वो जो है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर को, ये जो छोटे छोटे हैं। और ये जो बड़े बड़े लेटर्स हैं वो इंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 12 इंच। तो आप देख सकते हैं अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं 2 इंच पे देखूं तो यहाँ 2 के ऊपर 5 लिखा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर हुआ ये सेंटीमीटर के हिसाब से। ऐसे ही करके यहाँ पे 4 के आगे 10 लिखा है, यानी कि 4 इंच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये इंचेस का मेजरमेंट है और ये जो है वो सेंटीमीटर का है। दूसरी बात, अगर आप स्केल को ऐसे घुमाते हैं तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एमएम में कैसे नापना है, इंचेस में कैसे नापना है, यानी इंचेस का 1 इंच का कितना एमएम होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एमएम में बहुत बारीकी से, जैसे कुछ चीज़ें आती हैं जो हम मिलीमीटर में नापते हैं, तो ये उस चीज़ का टेबल बना के दिया हुआ है। तो इसके पीछे भी आप देख सकते हैं 12 इंचेस इज इक्वल टू 304.800 mm। तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा हुआ है,
और साथ में ही जैसे कि यहाँ पे 12 इंचेस का तो ये स्केल हो गया, तो यहाँ से इतना एमएम, अब 12 से सीधे 24 है, 24 से सीधे 36 है, यानी कि ये जो एमएम है इसको जो है वो 12 12 × 2 24 24 ऐसे करके इसमें 12 12 ऐड करके एक एक फिट का यहाँ पे कैलकुलेशन बताया गया है। जब आप स्केल लेंगे और उसके पीछे देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी देखने के लिए। अब बात कर लेते हैं स्केल और टेप में क्या डिफरेंस है। 12 इंचेस का ये स्केल है, अगर हम टेप पे देखते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक टेप की जो लंबाई है वो लगभग 5 फिट की होती है, यानी कि 60 इंचेस की। तो यहाँ देख सकते हैं 56 57 58 59 60, यहाँ पे थोड़ा सा ये इन्होंने लोहा लगा रखा है, तो आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी है, ये जो है वो इंचेस ही रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर वाले डिजिट, और यहाँ पे एट लास्ट आप देख सकते हैं 59 60। तो यानी कि मैंने जैसे कि बताया कि एक फिट में जो है वो 12 इंचेस होते हैं, तो यहाँ पे 60 इंचेस है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 × 5 = 60, यानी कि लगभग 5 फिट का ये जो है टेप है। यहाँ तक जो है, अगर आपको एक इंसान की लंबाई नापनी है तो ये 5 फिट का टेप है पूरा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के और पूरा एंड तक 5 फिट होंगे इसमें। ये जो नीचे की आप देख सकते हैं, जो नीचे की डिजिट्स हैं छोटी छोटी, इसमें भी वो भी सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम यहाँ पे स्केल और टेप को साथ में रख के मेजर कर लेते हैं। यहाँ से हमने रखा है और देखिए एकदम सेम आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 जो है वो सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ 4 के ऊपर 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 इंचेस है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 and 4.5, जैसे कि किसी ने लिखा कि हमें 4.5 इंचेस चाहिए, तो ये जो एरो है बीच में आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी वाली एरो है शायद आपको दिख रहा होगा, तो मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये जो 4 के बाद ये बड़ी वाली एरो है 0.5 को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे भी ये एरो देखिए सेम ऐसे ही इंच टेप में लगा हुआ है, तो ये 4.5 को रिप्रेजेंट करेगी इंचेस में 4.5 इंच। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम हमें अपनी हाइट नापनी है तो हम क्या करें, टेप से नापें? ऑब्वियसली आप टेप से नाप सकते हो, स्केल से अगर आप अच्छे हो मेजरमेंट्स में तो आप स्केल से भी नाप सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्केल नहीं है, इन केस अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप जो है वो टेप का इस्तेमाल भी वहाँ कर सकते हो, मेजरमेंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप वहाँ पे स्केल का यूज़ कर सकते हो, वो मेजरमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वही आएगा। कोई भी डिजिट है फिट में है अगर वो, तो आपको जो है वो 12 से ही डिवाइड करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसके ऊपर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो आपको, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।